हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में मैं लुबना आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कच्ची हल्दी, अदरक, गाजर और आमा हल्दी से रायता कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे देख लेंगे। नई नई रेसिपीज़ के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लुबनास किचन को और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। 100 ग्राम अदरक, 200 ग्राम गाजर, 200 ग्राम आंबा हल्दी, 200 ग्राम कच्ची हल्दी। ये आंबा हल्दी और अदरक दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। देखिए, ये अदरक है और ये आंबा हल्दी है, पर स्वाद में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। आंबा हल्दी का स्वाद कच्चे आम की तरह होता है, इसलिए इसे आंबा हल्दी कहते हैं। पीली सरसों है 2 टेबलस्पून, तेल है 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर है स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार, 1 नींबू का रस है और 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं रायते को। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे अपनी। आंबा हल्दी डालेंगे, गाजर डाल देंगे, कच्ची हल्दी को डाल देंगे, अदरक को डालेंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। पीली सरसों डालेंगे, नींबू का रस है, लहसुन की पेस्ट है, तेल डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तैयार है हमारा रायता। इसे 1 दिन रखकर खाने में इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।